अच्छा सर, ये सर की जो रिपोर्ट आई है अभी, वो लगातार ये कह रही है पिछले 5 साल से कि जो 5th क्लास के बच्चे हैं, जिन लोगों को बेसिक जो 3री क्लास में जो सिलेबस कराया जाता है उतना आ जाना चाहिए था, जैसे कि 3 डिजिट नंबर का एक सिंगल डिजिट नंबर के साथ डिवीजन करना और कुछ सब्ट्रैक्शन में, उसमें लगभग 60 से 70% बच्चे करने में उसको पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ये कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है प्राइमरी टीचिंग में ऐसा क्या लूप होल है, लकुना है, जो इस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इन रिपोर्ट्स में? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम मैथमेटिक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो क्लास 1 से जब हम शुरू कर रहे हैं, इवन प्रायर टू दैट चाइल्ड हैज एक्सपोजर ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, और वो नंबर्स की फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल शेप्स की फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म में बच्चे के चारों तरफ मैथमेटिक्स होता है, जिसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर, एक्सपीरियंस लेकर बच्चा क्लासरूम में आता है। क्लासरूम में जब हम बच्चे से बातचीत कर रहे होते हैं तो हमने बहुत सारा हमारा करिकुलम और सिलेबस नंबर्स और इस तरह की शेप्स के अराउंड होता है, जो बच्चे की बेसिक कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या हो गई कि जिस तरीके से इनको हमें डेवलप करना चाहिए, जो पैडागोजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो कहीं मिसिंग हो रही है हमारे पूरे सिस्टम में। हमने सिर्फ मैथमेटिक्स को कुछ बुक में दी हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जैसा ही देखा है, उसके बियॉन्ड हमने देखना नहीं चाहा और ना हमने अपने गोल्स ऐसे बनाए हैं। जैसे क्लास 1 के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिंगल डिजिट नंबर को ऐड कर ले। कैसे ऐड कर रहा है, क्यों ऐसे ऐड कर रहा है, क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? मैं एक एग्जांपल दूंगा। हम ये लिखते हैं कि क्लास 1 बच्चा 7+5 करे। सो नॉर्मली होता यह है कि 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरा ग्रुप है, दोनों ग्रुप को ऑगमेंट किया है और फिर रिकाउंटिंग कर ली है। रिकाउंटिंग के तरीके बच्चे के अपने दोनों तरीके से हो सकते हैं। थोड़ा लोअर लेवल पे बच्चा रीकाउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक थोड़ा और हायर लेवल पे बच्चा हो जाता है तो पता है 7 हैज ऑलरेडी बिन काउंटेड, सो 7 से आगे काउंटिंग शुरू करनी है, तो वो 5 फिर आगे काउंट करता है। लेकिन है अल्टीमेटली काउंटिंग का ही प्रोसेस है। लेकिन जब हम धीरे धीरे इस तरह के बहुत सारे एक्सपोजर दे देते हैं तो हम ये समझते हैं कि बच्चा 7+5 जब भी आ रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में 7 चीज़ें थी, 5 और आ गई हैं, 7 मेरे पास कुछ रुपए थे, 5 रुपए किसी और ने दे दिए हैं, एंड सो ऑन। ऐसे जब कॉन्टेक्स्ट आ रहे होते हैं तो जब 7+5 करना है तो चाइल्ड शुड नॉट ओनली सी विद दिस 2 मेथड्स, बट वी वांट चाइल्ड शुड बी इक्विप्ड कि वो 7+5 को 5+5+2 भी देख पाए। तो आसान होगा ना, 5+5 तो पहले से पता हो गया है, 10 है तो 2 और ऐड करना है। उसको पता है कि 6+5 तो मुझे पता था, मैंने अभी तो किया है, सो आई नीड नॉट डू ऑल थिंग्स, ओनली 6+5 में एक और ऐड कर देने से 7+5 हो जाएगा। देर आर एन नंबर ऑफ सच स्ट्रेटेजीज, वी आर नॉट इक्विपिंग लर्नर्स फॉर सच स्ट्रेटेजीज। सो आर प्रॉब्लम इज, मीन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आर दैट अवर इवन टीचर्स आर नॉट इक्विप्ड टू इक्विप लर्नर्स फॉर सच कॉम्पिटेंसीज। सो लेटर ऑन वट हैपन्स दैट वेन वी हैव सिस्टमेटिक, मीन्स दैट स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स, एल्गोरिथमिक स्टडीज स्टार्ट, चिल्ड्रन ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग द एल्गोरिदम, मास्टरिंग द एल्गोरिदम विदाउट थिंकिंग वाई शुड आई डू इट लाइक दिस। वी से वेन 2 सिंगल डबल डिजिट नंबर्स आर एडेड, एडिंग 1s फर्स्ट एंड देन एडिंग 10s, वाई वाई कांट आई एड 10s एंड देन एड 1s, वाई कांट बी देर कैन बी अदर मेथड? सो वी नेवर आस्क लर्नर्स ना, वी हैव नेवर प्रोवाइड सच अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स। सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट अल्टीमेटली इन क्लास 1 इन क्लास 2 चिल्ड्रन गेट दीज डेफिशियंसीज। बाय द टाइम दे एंटर क्लास 3 दिस डेफिशियंसी स्टार्ट विजिबल, एंड देन वॉट हैपन्स देन वेन वी वॉन्ट दैट चाइल्ड शुड डू दिस एल्गोरिदम, देर मे बी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम विद दोज एल्गोरिदम्स, बट द प्रॉब्लम समवेयर लाइज इन क्लास 1 एंड 2। सो देयर फोर इन माई ओपिनियन वी हैव टू पर्टिकुलरली हैमर क्लास 1 एंड 2। Okay. And we should take care of, means our teachers should be well equipped with all those strategies and pedagogy which a class 1 and 2 child require. तो सर ऐसे केसेस में सोशल एंड कल्चरल जो इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे फैमिलीज में बोलते हैं मोर और लेस थोड़ा सा खाना दे दो थोड़ा, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये बुक्स में डायरेक्टली नहीं होती हैं। बुक में वी टॉक अबाउट नंबर्स, वी डोंट टॉक अबाउट द कंपैरिजन, या जैसे हम घर पे कोई चीज़ हम बात करते हैं, तो जो कल्चरल या सोशल बैकग्राउंड होता है जो उसका इम्पैक्ट एक हद तक पड़ता ही होगा हमारे
नहीं, बात आपकी ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी लर्निंग घर से लेके आ रहा है. राइट. आपने जो कहा है मोर और लेस की लर्निंग भी लेके आ रहा है, एंड वी पर्टिकुलरली टेक केयर, जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें ये ध्यान दिया जाता है कि सीधे नंबर से शुरू ना करें, हम इस तरह के कंक्रीट ऑब्जेक्ट से करते हैं. तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कंपैरिजन की आ रही होती हैं, जो दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है विद वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस. आई डोंट नो इसमें पांच है इसमें सात है. ओनली वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं फाइव चिल्ड्रन सेवन कैप्स विच इज मोर, तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे ना, एक के लिए के जो बच गया वो ज्यादा है, जिसमें नहीं बचा वो कम है. ये अंडरस्टैंडिंग और वो टिक करना है. अभी लिखने की भी कॉम्पिटेंसी नहीं डेवलप हुई. चाइल्ड हु इज ऑफ से 5 years age, these even can be considered as pre-number competencies. और ये pre-number competencies शायद कहीं जो अगर pre-school कहीं है तो वहाँ होनी चाहिए. What happens that in pre-schools or nursery schools we start talking of numbers, those numbers in an order and reciting number names without having any idea what this number means. What do I mean by five? Five means five objects. So we should start from there, but we start from numbers. Okay. So the problems lies somewhere in our own strategies, which we are using in our classrooms, and maybe our teachers are not well equipped. And if teachers are equipped, they may be having their own problems of large classroom. Right. Teachers, children's prior experiences with which they come to school. Many children come to a class one with 2 years earlier studies, right. Nursery, KG, something like that. Some children directly come to class one. Some children have some idea, some understanding about many things, vocabulary rather, more or less, and say half. It's very simple, na? For any child of age 5 year or 4 year, half may be meaning any two parts of a whole may not be equal. Equal. That may be half. So with that vocabulary understanding, child is coming to class, but that vocabulary is with child. Half a word is known to the child, may not be the complete understanding. As teacher now in classrooms, we have to somewhere do it, how children should have that idea about equality of two parts. Only then we should have these are half, otherwise this will not be half. That somewhere we have to do, but child is coming with lot of such experiences. Some children are coming with some smaller experiences, lesser experiences, some are coming with more experiences. Only as a teacher, I have to associate whatever I am teaching with child's prior experience, which we call as child's context. Every child is having different context. A child is coming from a, say, business family, is listening about large numbers. We had a deal of so many lakhs rupees. और हमने वहाँ ना लैंड खरीद ली तो इतने एकड़ की इतनी बड़ी लैंड हमने ले ली है. हमारा घर इतने एरिया में है. हम जो अपने ड्राइवर को सैलरी 10,000 rupees देते हैं. सो वो इतने सारे वर्ड सुन के आ रहा है. एक वो बच्चा जो बेचारा बहुत लोअर उसमें है, इनकम ग्रुप से है, उसने शायद फ्यू 100 rupees, फ्यू 1,000 rupees की बात सुनी होगी घर में. कितना होता है दोनों बच्चों को आइडिया नहीं होगा कि 10,000 कितना होता है, 1 lakh कितना होता है, बट वोकैबुलरी में वर्ड तो आ गया ना. सो ये जो वेरिड एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चे आ रहे हैं हमारे क्लासरूम, इन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चे को आगे लेके चलने में इक्विप नहीं है, टीचर इक्विप नहीं है. अच्छा सर, सर ये पूछना था, जैसे आपने कहा टीचर्स इक्विप नहीं है, अब हमारे पास इंस्टीट्यूट्स अगर देखा जाए, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तो इतने ज़्यादा नहीं हैं, हालांकि प्राइवेट कई इंस्टीट्यूट्स बने हैं. तो अगर हम लोग कहें कि प्री सर्विस जो ट्रेनिंग है टीचर्स की वो सफिशिएंट नहीं है, तो इन सर्विस ट्रेनिंग आप किस तरीके से प्रपोज करते हैं कि किस तरीके से इफेक्टिव बनाई जा सकती है खासतौर से प्राइमरी टीचर्स के लिए? देखिए, हैमरिंग तो मुझे लगता है दोनों तरफ से करनी चाहिए. एक तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे पास एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं. जो हैं वो उतना जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दे आर वंस अगेन से प्रिपेयरिंग लर्नर टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन एंड टू गेट अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, नॉट टू हैव एक्वायर अ स्किल ऑफ टीचिंग. तो वो एक वीकनेस तो है हमारे सिस्टम में. बट जो जिस करिकुलम की और जिस स्ट्रेटजीज की हम बात कर रहे हैं, ये अगर प्री सर्विस कोर्स में नहीं है तो इन सर्विस में मुश्किल होगा. रीजन बिहाइंड दिस इज, अगर हम मैं टोटल नंबर की बात करूं हमारी कंट्री में, आप जिसकी बात कर रहे हो कि प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बड़ा कम नंबर है. हमारी कंट्री में 7.5 मिलियन टीचर्स हैं.
और अगर आरटीई की सारी रिकमेंडेशंस को फुलफिल करना हो, मीन्स 1:30 की रेशो में देखना हो, तो शायद और ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होगी। उतने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स में अनट्रेन टीचर्स को भी एम्प्लॉय कर लिया है, वो दैट इज़ सेपरेट इशू। अब आप कह रहे हैं कि इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए, 7.5 मिलियन टीचर्स तक पहुंचने के लिए कौन सा ऐसा मोड है जिससे हम हर टीचर्स के साथ बात कर सकें, और वो एक बार से तो काम नहीं चलेगा, वी हैव टू हैव अ रेगुलर इंटरेक्शन विद द टीचर, क्लासरूम में टीचर, हैंड होल्डिंग है, उसकी मेंटरिंग है, ये प्रॉपर करनी होगी ना। हमारे पास जब उसकी प्री सर्विस के लिए इक्विप नहीं है तो ये कहाँ से होंगे, तो करना पड़ेगा, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मे बी जैसे टेक्नोलॉजी जो आ रही है, दिस कैन बी ऑफ अवर यूज, राइट, है ना, हम टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज करें। अगर हर टीचर के पास स्मार्टफोन है तो हम कुछ ऐसा करें, हम ऑनलाइन कोर्सेज उनके लिए कर दें, हम ऐसे कुछ करें कि उनको क्लासरूम में ही उनकी हेल्प मिले, क्लासरूम से बाहर निकाल कर लेकर आए और फिर कहें कि जी अब आप तुम 10 दिन की ट्रेनिंग ले लो इन सर्विस, लेकिन वो जो 10 दिन उनके क्लास का क्या होगा, उनके स्कूल का क्या होगा, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऑफ अवर कंट्री वी हैव 2 teachers for 5 classes, तो जब 2 teachers 5 classes के लिए, एक टीचर को हमने ट्रेनिंग के लिए बुला लिया, दूसरे टीचर को इलेक्शन की ड्यूटी मिल गई, कहीं और कुछ मिल गया, तो वो दूसरा टीचर क्या करे, वो तो स्कूल का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। सिस्टम ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि हम ऑन साइट हैंड होल्डिंग की बात करें, कि टीचर को वहीं कुछ ऐसा इक्विप कर पाए। तो काफ़ी सारी एफर्ट्स हो रही हैं, ऐसे मटेरियल भी बन रहे हैं, हम ऐसा ट्रेनिंग भी मतलब देने की कोशिश करते हैं, ऐसे कंक्रीट मटेरियल भी बना रहे हैं कि भाई ये दे दिया, कुछ मैनुअल्स बना दिए कि इसको पढ़ के आपका गुजारा हो जाएगा, एटलीस्ट इसको पढ़ो तो कुछ तो आप कर पाओगे। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, बट फिर भी टास्क बहुत ह्यूज है, और जब तक ये सारा नहीं ठीक होगा तब तक थोड़ा मुश्किल है कि हम बच्चों को जो class 3 class 4 में या उसके बाद की क्लासेज में आने पर जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम सॉल्व कर पाएं। क्योंकि class 6 में बच्चे को अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो class 6 का टीचर अपने आप को एकदम हेल्पलेस महसूस करता है, कि उसको लगता है कि जब class 2 का ही कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, जो उसको class 2 class 3 में आने चाहिए, मैं 6 में क्या करूँ, क्या मैं 4 classes पीछे की पढ़ाऊँ तो मैं 6 का कब पढ़ाऊंगा, तो बड़ा मुश्किल है ना। तो ये इसके लिए एक रेमेडी ढूंढी गई थी, CCE, कि आप कंटिन्यूसली असेस करते जाओ बच्चे को, वाई इन द एंड ऑफ अ ईयर पता लग रहा है कि बच्चे में ये वीकनेसेस रह गई और ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, इन वीकनेसेस के साथ अब क्योंकि नो डिटेंशन है, फेल तो करना नहीं है, इस क्लास में रखना नहीं है, तो इसको तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो। नेक्स्ट क्लास में जो प्रमोट किया, जो नेक्स्ट क्लास का टीचर है वो भी शायद ये नहीं समझ रहा है कि इस बच्चे ने इतनी डेफिसिट के साथ एंटर किया है, ताकि मैं कुछ शुरू के महीनों में, 1 महीने 2 महीने बात करूं, जो डेफिशिएंसीज लेकर आ रहे हैं उसको तो रिमूव करूं और फिर आगे की बात करूं, वो भी नहीं लेते हैं। तो अल्टीमेटली हर बच्चे के लिए वो जो गैप है ना, वो बड़ा बड़ा होता था हर क्लास में। class 1 से कुछ डेफिशिएंसी लेके चला, वो डेफिसिट बड़ा हो गया class 2 में, और बड़ा हो गया 3 में, तो बाय द टाइम वी रिकॉग्नाइज इट, सिस्टम रिकॉग्नाइज इट, तब ये हमारे हाथ से बात निकल जाती है, फिर लगने लगता है कि अब इस बच्चे को इसके पेरेंट्स हेल्प करें, इसके पेरेंट्स नहीं, हम क्या करते हैं, फिर ब्लेम गेम शुरू करते हैं, सिस्टम पे ब्लेम देते हैं, टीचर कहता है मुझे तो टीचिंग के अलावा अब दुनिया भर के और काम दे दिए, मेरे पास बहुत सारे बच्चे दे दिए, मैं 1-to-1 नहीं कर पाता, मैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात नहीं कर पाता, मैं ग्रुप सेंटर्ड की बात करता हूँ, कि इतने सारे बच्चे हैं कैसे जस्टिस करूँ, मुझे आपने CC भी दे दिया जहाँ बहुत सारा काम है, हमने जो लगाए सिस्टम, जो भी हमने लगाए, जो भी हमने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए, वो भी उस राइट डायरेक्शन में नहीं गए, तो इस सारी बहुत सारी चीज़ें मिलके क्यूमुलेटिवली एट लॉसेज आवर चिल्ड्रन, उन्हीं की लर्निंग का गैप हो रहा है ना। अच्छा सर, इसमें तो आपने कहा कि सिस्टमैटिक फ्लॉ तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा, अब सिस्टमैटिक फ्लॉ से बचने के लिए या तो हमने पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया, और पेरेंट्स ने भी फिर अपना काम छोड़कर, नहीं वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, बहुत सारे बच्चे जो शायद सेकंड जनरेशन लर्नर भी हैं, तो बट उनकी तो फैमिली की प्रॉब्लम है, अभी 3 basic needs अपनी फैमिली के लिए पूरी करने की, तो बच्चे की एजुकेशन देखें या अपने बाकी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उनकी कपड़ा रोटी और खाने का इंतजाम कर पाए, तो ये जो इश्यूज हैं ये थोड़ा ज्यादा इश्यूज हैं, इसलिए पेरेंट्स को भी हम कह नहीं सकते, सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम को सॉल्व करनी है, लेकिन पेरेंट को कैसे मैं इसमें जैसे पेरेंट्स के साथ में हम नहीं कह पाते हैं, कई जगह फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं आपने कहा, फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि इस सिस्टम की कमियों से बचने के लिए हमने एक्सटर्नल मोड कुछ चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया है, जैसे ट्यूशन सेंटर्स अब बढ़ गए हैं, और मुझे नहीं पता पर किस किस तरीके के टीचर्स आके अब, क्योंकि आसान हो गया है एक्सटर्नल काम करना, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आसानी से आप एक ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, और पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है, और ये मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जो बड़े से आते हैं वहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये
मान ही लिया गया है कि आपको ट्यूशन सेंटर में भेजना ही भेजना है, लेकिन जो जो लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं वहाँ पर भी हम लोग ये देखते हैं कई रीजन्स में जहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स की कतार बनी हुई है। अब आपको क्या लगता है, इन ट्यूशन सेंटर्स में जो टीचर्स हैं इनकी अपनी बिलीफ सिस्टम जो है मैथ्स को लेकर खासतौर से, इससे और क्या, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है इसमें और क्या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हो रहा है। समस्या ये है, मैंने जैसे कहा कि मैं हम बच्चे को आइडियली इक्विप करना चाहिए सो दैट चाइल्ड शुड बी एबल टू आंसर व्हाई, किसी भी काम को जो करते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही क्यों, एडिशन करने का यही तरीका क्यों, व्हाई अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो, क्यों नहीं? मैं कहीं कहीं वो किसी टीचर ने बोल दिया इनफिनिटी होता है आंसर, वन अपॉन जीरो इज इनफिनाइट, किसी किसी ने कह दिया अनडिफाइंड होता है, किसी ने कुछ और कह दिया है, किसी ने जीरो, बच्चे ने जीरो भी लिखता है बहुत साल तक विदाउट आस्किंग व्हाई। जैसा मैंने कहा था कि अगर डबल डिजिट नंबर्स को ऐड करना है तो एल्गोरिदम मेरा ये कहता है पहले वंस को ऐड करो फिर टेंस को ऐड करो, व्हाई टेंस को ऐड कर लूं फिर वंस को ऐड कर लूं, नहीं काम होगा। मतलब ये तो हमने इक्विप ही नहीं किया ना, क्योंकि हम बच्चे को उतना चाह ही नहीं रहे हैं। सो हो क्या रहा है कि हमने जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज की कोशिश की, हमने कह दिया कि वो सिंगल डिजिट नंबर को ऐड कर ले, वो टीचर नहीं करवा पा रहा है। अब किताब में क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में आने जिसके बेसिस पे बच्चे की साल भर की जो लर्निंग है उसको असेस करना है हमने, तो क्या करेंगे? पेरेंट्स के पास तो सीधा रास्ता ये है ना, भाई समझ नहीं आ रहा बच्चे को पढ़ना नहीं तो जाके वहाँ ट्यूशन वाला पढ़ ले। ट्यूशन टीचर क्या करते हैं, आपकी बुक की प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करवा के आपको उस एल्गोरिदम को मास्टर करने पर के लिए इक्विप कराते हैं, ना कि समझने पे। उनका भी गोल नहीं होता ना, तो इसलिए ट्यूशन सेंटर ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। बट सर ये जो हैं ट्यूशन सेंटर्स, कहीं ना कहीं जो स्कूल्स हैं उसमें इतने रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, 25 मिनट्स to 40 मिनट्स ही मिलता है अगर देखा जाए एक टीचर को, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 25 मिनट्स मिल रहा है, यहाँ पे ये 1 hour to 1.5 hour दे पा रहे हैं, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा थ्राइव कर रहे हैं। नहीं वो तो ऐसा नहीं कह सकते हम। देखिए प्राइमरी में क्या होता है कि एक टीचर है जिसको फ्रीडम थ्रू आउट द डे 5-6 hours वो बच्चे के साथ रहना है, उस 5-6 hours के टाइम को डिवाइड करना है। क्लास 1 or 2 में हम दो बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन उनके थ्रू बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। एक तो बड़ी सीधी बात है कि किसी भी बच्चे का स्कूल में आने का पर्पज कुछ सब्जेक्ट पढ़ना नहीं होता, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, राइट? इसलिए हम कंप्रेंसिबिलिटी की बात करते हैं, तो वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है इन सब्जेक्ट्स के थ्रू बेसिकली। तो हम इन्हीं की बात करें, जैसे क्लास 1 or 2 में मैथ्स और लैंग्वेज की बात करेंगे तो मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ही उसकी जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है स्टडीज की वो समझ उसकी बननी शुरू हो जाए। फैमिली क्या होती है, ये जो मैं घर से बाहर आता हूँ रोज, तो एक आदमी एक खाकी सा थैला लेकर साइकिल पर आता है, खाकी वर्दी पहन के, और हमारे घर में चिट्ठियां देकर जाता है। ये इसको चिट्ठियां कौन देता है? क्या जिसने चिट्ठी लिखी थी वो इसको देता है? और ये हमारे घर में क्यों आते हैं? हम क्यों नहीं जाते वहां लेने? देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच चाइल्ड कैन हैव, है ना, वो जानना चाहता है। तो हम उसको ये मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं, हमारा करिकुलम ये बताने की कोशिश करता है। किसी के घर में दादा दादी भी हैं और किसी के घर में मम्मी पापा ही हैं सिर्फ, उसने आज तक कभी सुना नहीं दादा दादी का नाम। जब वो बाहर जाता है दूसरे बच्चों से बात करता है, मेरी दादी ने ना मुझे कहानी सुनाई, द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग हु इज दादी, फैमिली में कौन दादी होती है। तो वो जो थिंकिंग है, वो जो क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हम मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू देने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि टीचर के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक तो प्रॉब्लम कहाँ है कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्यूशन टीचर भी क्या ये जस्टिस करता है? राइट नहीं कर रहा ना वो सारी चीजें ट्यूशन टीचर भी, क्योंकि ट्यूशन टीचर भी सिर्फ आपकी किताब की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए बार बार प्रैक्टिस करा रहा है, विच इज क्रैमिंग, रटना रटवा रहा है ना बिना समझ के, इसको ऐसे करना ऐसे ही करना है बार बार कर। हमने ये फोबिया बनाया, मैथमेटिक्स कैन बी लर्न बाय प्रैक्टिस ओनली, ये बहुत कॉमन तो रट्टा होता है, रटने से थोड़ी मैथमेटिक्स आता है। ये तो सर सिस्टम में भी, अभी ट्यूशन टीचर का भी अगर काम देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिस्टम से कनेक्टेड है। अगर वो कहीं बसोड़ा बाहर जाए तो शायद से पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट ना करें और बदल दिया जाएगा उसको। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो सिस्टम से थोड़ा अलग जाके काम करा रही हैं, और ये बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आगे तक बढ़ता है। मैं अबैकस और ऐसे जो जिम्स खुले हुए हैं आजकल, तो बड़ा हम लोगों को बॉडी के साथ में दिमाग बनाने का भी मन कर गया है, तो जिम, और मैंने कई जगहों पे ऐसा देखा है ब्रेन जिम करके लिखा हुआ है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि इंक्रीज योर मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी और आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाओगे अगर आप उनके करिकुलम के अराउंड कुछ
बात देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रिलिंग करा रहे हैं, उनके जो कनेक्शन है 5 और 7, आपने जो स्टार्टिंग में कहा 5 और 7 12 होता है, क्यों होता है इसके बारे में नहीं कहा, पर उसको 10 बार ही लिखवा दिया करवा दिया। ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहें, क्योंकि इनकी भी जो नंबर है ये लगातार दिन पे दिन बढ़ रहा है, और पेरेंट्स बड़े एंथुसियास्ट हैं यहाँ भेजने के लिए। देखिए, जो जिनके आप नाम ले रहे हो ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको फास्टर कैलकुलेशंस के, कंप्यूटेशंस के ट्रिक्स बताते हैं, और उन ट्रिक्स को बच्चा कभी कभी एंजॉय भी करता है ना। अब आकस ये उंगलियों से आप कुछ भी कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन एंड सो एंड सो सो व्हाट्स एवर इट इज़। एक बात तो ये है, मैं मानता हूँ इस बात को कि इफ़ अ चाइल्ड इज इंटरेस्टिंग इन डूइंग इट, तो इंटरेस्ट तो उस सब्जेक्ट के लिए बन रहा है। वो ये क्रैमिंग हो रही है, बड़े लिमिटेड सी जगह यूज होने वाली स्किल ट्रिक्स सीख रहा है, वो अलग इशू है क्या सीख रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो बन रहा है। दूसरा, अगर वो ये सोचने लगता है कि ऐसा ही क्यों, मैं ये फिंगर्स बदल दूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं इनमें ये है 1 एंड ये है 5 6, तो 1 एंड 6 को मिला के और बाकी ऊपर कितना आ गया, नीचे कितना रह गया, ये कितना, तो बच्चा ये सोच रहा है। ये थिंकिंग मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए होती है, कॉग्निटिव स्किल्स जिनकी हम बात करते हैं। लेकिन जहां तक कंप्यूटेशन स्किल्स की बात है, आज के टाइम में चाहिए नहीं भाई। क्यों चाहिए? कंप्यूटर्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, हम इससे फास्टर करेंगे, तो मुझे क्यों चाहिए ये सारी स्किल्स? मुझे तो ऐसे तरीके चाहिए जिससे मैं बच्चों को ऐसा इक्विप कर दूं कि वो एक नया कंप्यूटर बना ले, नया एल्गोरिदम बना ले, क्योंकि इसमें एल्गोरिदम, कैलकुलेटर में एल्गोरिदम हो गया जो जो मैंने सीखा, जो अभी तक किसी ने इवॉल्व कर दिया था, मैंने उसी को स्टेप बाय स्टेप मेथड में लिखा जिसको प्रोग्रामिंग कहते हैं किसी लैंग्वेज के थ्रू, और उसी को कंप्यूटर में डाल दिया, कैलकुलेटर में डाल दिया, किसी मशीन में डाल दिया, मशीन ने उसी तरीके से किया। मशीन अलग तरीके से कभी नहीं कर सकती जब तक मैं उसमें नया, और मैं नया तरीका कौन करेगा अगर मैं इक्विप्ड हूँ, है ना। हमने आज तक कभी ये नहीं बताया हम क्या करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स है ना, एन टर्म्स को सम करने के लिए देर इज ए फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू समथिंग, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स को सम करने के लिए भी है, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स को सम करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। किसी कितने बच्चों को हमने इक्विप किया, वे सोचना शुरू करो, बनाओ नया फार्मूला। कितने बच्चों ने रामानुजम की तरह बच्चे सोचते हैं जब नंबर से प्ले करते हैं, नंबर ही रामानुजम सारा नंबर के साथ ही काम किया है। अगर रामानुजम ने 1729 को एक मैजिक नंबर कहा तो उसका क्या रीजन था, कैसे दिमाग में आ गया वो जो थिंकिंग थी, वो थिंकिंग बच्चे क्यों नहीं करते हैं हमारे, वो बच्चे हमारे ऐसा क्यों नहीं सोचते कि टीचर ने बिजी करने के लिए कह दिया कि 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स को ऐड करो, और किसी एक बच्चे ने उठ के फटाफट सम करके बता दिया कि 1 plus 1000 1000 होता है, 2 plus 999 1000 और ऐसे 500 पेयर्स बनेंगे, सो सम विल बी 1000 1 multiplied by 500 मींस 500 500 इज द आंसर। ये जो टेक्निक है, एक आम बच्चा जो अगर सम कर रहा होता है उसको लगता है कैलकुलेटर जरूरी है, लेकिन दूसरे बच्चे ने तो एक नया इवॉल्व कर लिया ना मेथड, तो ऐसी हमें स्किल से इक्विप करना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, जो बाका सॉरी जो भी आप कहते हो ब्रेन जिम, वो बच्चे के ब्रेन को उस तरह की स्किल्स के साथ इक्विप कर दें कि बच्चा डिफरेंटली सोचने लग जाए, तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन वो कितने सक्सेसफुल है मुझे नहीं पता। तो सर बेसिकली बच्चे एग्जैक्टली कब रियलाइज करते हैं कि वो कंफ्यूजन वाले स्टेज में पहुंच क्लास गए थ्री ऑनवर्ड सर क्लास थ्री में उस दिन तक उनको लगने लगता है कि ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो क्योंकि वो एल्गोरिदम समझ नहीं आ रहा होता, वो स्टैंडर्ड मेथड समझ नहीं आ रहा होता, राइट। तब से लगने लगता है बच्चे को कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, ये मेरे बस का नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, धीरे धीरे गैप बढ़ता है। तभी अगर आइडेंटिफाई कर लेना क्लास थ्री में, क्लास टू के एंड में हम आइडेंटिफाई करें सीसी के थ्रू, है ना, और हम पता करें कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के साथ, तो उसको वहीं टैकल करना शुरू करें, उसके लिए रेमेडीज सोचना शुरू करें, बच्चे को उस तरह की एटमॉस्फेयर दें लर्निंग का, दैट मे बी। ये हमेशा ही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, मतलब टीचर की अगर लर्निंग करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो लर्निंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की भी है, तो उसको पार्टनर बनाना जरूरी है मुझे। हम अभी क्लासरूम में वन वे सोचते हैं, हम सब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हाँ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि लर्नर को वो एटमोसफेयर क्रिएट करके दूं मैं, उसके बाद पीयर ग्रुप बना देना, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए 4 बच्चों का ग्रुप बना देना, 2 को आता है 2 को नहीं आता, आपस में बातचीत करो, 2 बच्चों की आपस में बातचीत हो रही है, मैंने कुछ एक्टिविटी जैसी करवानी शुरू कर दी जहां बच्चा खुद से करने लगा है, तो वो टीचर का काम है, और लेकिन बच्चे को पार्टनर बनना जरूरी है, तो वो कहीं जरूरी है जो हमने हमारे सिस्टम में लैक किया। अगर क्लास 2 ऑनवर्ड शुरू करेंगे तो
तो वो बच्चे फिर जाएंगे नहीं, इसलिए क्लास वन और क्लास टू बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। एक आखिरी सवाल मुझे लगता है, काफ़ी समय हमने ले लिया, अब जैसे कि अब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे, आपने कहा तीसरी क्लास से पता लग जाता है, लेकिन आठवीं नौवीं में आते आते ये जो बिलीफ है ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कुछ लोगों के लिए ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है कि हम मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, जो कि उनके रिपोर्ट कार्ड के नंबर उनको ये सजेस्ट कर देते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल ये सजेस्ट क्लियर हो जाता है कि हम अगर टेंथ तक कंपलसरी नहीं है तो हम मैथ्स छोड़ देंगे, इनमें से जो ये हैं जिनको ये क्लियर हो जाता है कि मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है, ज़्यादातर IITs और इन तरीके की कोचिंग में जब चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक्चुअली में उन्होंने जो ये अज्यूम किया वो कितना सही था एक, और जब ये ऐसी जगहों पे भी चले जाते हैं तो उनकी उस स्किल को कितना हार्नेस ये इंस्टीट्यूट्स कर पाते हैं, क्योंकि इनका एक मेन एम है IIT में आपको एंट्रेंस कराना है, तो मुझे लगता है कि मैथ्स की स्किल्स पर तो तब भी काम नहीं हुआ है। बात ठीक है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं आई वॉज से अबव 90% होल्डर इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माई स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज क्लासेस, और बहुत सारी चीज़ें उसे लगता था कि आई नो मैथमेटिक्स, लेकिन जब मैंने टीच करना शुरू किया तो पता लगा मुझे नहीं आता। बेसिक कैलकुलस का बेसिक है फंक्शंस, आई इवन डिड नॉट हैव आइडिया अबाउट फंक्शन, आई वॉज गुड इन कैलकुलस, वो एल्गोरिथमिक तरीके जो प्रॉब्लम दी है ना, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये सोचना कि इसको मेरी जो अब तक की नॉलेज है कैसे अप्लाई करके सॉल्व करना है, कि जगह व्हाट आई वांटेड टू सी ए सिमिलर एग्जांपल, है ना, इसमें या किसी सॉल्व बुक में कहीं सिमिलर एग्जांपल होगा उसके जैसा ही होगा, पढ़ के हाँ मुझे समझ आ गया इसको क्या, व्हाट आई अंडरस्टूड इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड ओनली, व्हाई दिस मेथड इज व्हाई आफ्टर दिस स्टेप आई हैव टू गो टू दैट स्टेप, उतना भी नहीं सोचा। तो मैं तो ये 90% 100% मार्क्स लेके और यही समझ रहा हो रहा है, इवन इन IIT JEE एग्जामिनेशन भी ये होता है, आप भी तो एक पैटर्न है ना, उस पैटर्न के अराउंड ही क्वेश्चंस होते हैं और वैसे ही क्वेश्चन बहुत बार आपको करवा देते हैं, आपने बहुत बार कर लिए तो वंस यू सी दैट क्वेश्चन तो लगता है ये फेमिलियर क्वेश्चन है, नाउ आई कैन सॉल्व इट बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी डन सच क्वेश्चंस मेनी टाइम्स, द डे यू फाइंड अ क्वेश्चन व्हिच यू हैव नॉट डन अर्लियर आपको लगने लगता है मुश्किल है, दिस इज हैपनिंग सिंस लास्ट 2 ईयर्स इन CBSE पेपर, क्वेश्चन पेपर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन में नहीं थे, जो बुक में नहीं है, कहीं और नहीं है, लैंग्वेज बदल दी, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज बदल दी तो लगने लगा ये तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं था, बड़ा टफ है। मैनी ऑफ देम मे बी नोइंग, मैं दो थोड़ा सा हिंट देता ना, अरे ये तो देखो ना लैंग्वेज लिखी है, इसमें तो यही तो इंटीग्रेशन ही तो करना है, अरे हाँ ये तो हमने किया, दे सर्टनली विल बी एबल टू डू, बट वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही है क्योंकि एक्सपोजर नहीं हुआ। तो हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ फैमिलियर कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ों को अप्लाई करें, इसलिए मैथमेटिकल स्किल्स को हम ज़्यादा एनहांस नहीं कर पाए, क्योंकि आज भी किसी को भी अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, और ये होता है जो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है PISA और TIMSS जैसे, उनके अगर आप क्वेश्चंस देखें तो उनमें इसी तरह का होता है कि अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट आपको दिया जाता है, समझाया जाता है, और फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आपसे करवाई जाती है, तो अगर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं हो तो आप नहीं कर पाते कुछ भी, मार्क्स तो आप 100% भी ले सकते हो। ठीक है सर, ये अच्छा रहा आपसे बात करके, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि मैं भी 90% रहा, लेकिन जब मैं टीचिंग में आया उसके बाद एक्चुअली मुझे पता लगा कि यार ये इंटीग्रेशन का ये लिमिट तो मैं लगा के कर लेता हूँ, लेकिन ये क्यों लिमिट लगाई है यहाँ से यहाँ तक, मुझे आज भी मैं सीख रहा हूँ मैथमेटिक्स, तो अब पता लगा कि मुझे आता नहीं है, और अब और सब जब छोटे बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो ज़्यादा पता लगा है कि मैथमेटिक्स मतलब जो मैथमेटिक्स कैसे समझें है क्या मैथमेटिक्स, ये थोड़ा मतलब मुश्किल काम है, और धीरे धीरे समझ रहे हैं बच्चों के साथ काम करके, टीचर के साथ बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट सो ईजी। सर आपने सबसे छोटे, ये तो खैर इसका इन पार्ट नहीं है शायद, सबसे छोटे कितने बच्चों, एज के बच्चों के साथ काम किया है आपने? हमने नर्सरी KG के बच्चों से शुरू किया है। okay. और एक तो एक्सपीरियंस हर फैमिली के लोगों को होता है अपने बच्चों के साथ काम करने का, और मैंने अपने बच्चों के साथ तो उनके बर्थ से शुरू कर दिया, और शायद प्री बर्थ भी शुरू हो गया बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के साथ, तो वो जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है, और वो हम ना उतना माइन्यूटली वाच नहीं करते चीज़ों को। प्याजे ने किया, एक ही बच्चे पे तो किया ना, सारी चीज़ें बना दिया गुजर सर के, तो हमने तो अपने बच्चों को ऑब्जर्व नहीं किया ना कैसे लर्न कर रहे हैं, अगर वो करते तो शायद हम भी बहुत अच्छे थ्योरी बना लेते, या एटलीस्ट अपने बच्चे की लर्निंग की प्रोग्रेस को तो हम असेस कर पाते कि मेरा बच्चा ऐसे सीखता है, ऐसे सीख रहा है, उसने कैसे रिएक्ट किया किसी सिचुएशन में, तो वो हम ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन सबके पास थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस ही होते हैं, तो मेरे पास भी वो एक्सपीरियंस ही थे, मेरे बच्चे कैसे लर्न कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, मेरे किसी बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो
तो वो थे एक्सपीरियंसेस, और कुछ फिर अब क्लासरूम में हमने रेगुलरली काम शुरू किया है, तो फिर हम क्लास वन और टू के बच्चों के साथ डिटेल में काम कर पा रहे हैं, हम नर्सरी केजी के बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टाइम।